सुनो सुनो सुनो, चुनाव से ठीक पहले दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के दूसरी मंजिल पर आग लग गया है। इस आग को कांग्रेस के नेताओं के जरिए शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो आग लगा है इसमें जरूरी दस्तावेज थे जो ठीक चुनाव से पहले मिटा दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, खबरों की अगर बात की जाए तो दिल्ली के गृह मंत्रालय में, जी हाँ, होम मिनिस्ट्री ऑफिस में दूसरी मंजिल पर आग लग गई है जिसमें कई अहम दस्तावेज जलने की खबर निकलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज़ के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई। हालांकि ये खबर सुबह ही आ गई थी लेकिन तब तक इस खबर की पुष्टि नहीं हुई थी तो हमने इस खबर को अब तक नहीं दिखाया, लेकिन अब एबीपी न्यूज़ पर इस खबर को छापा गया है। और देखिए क्या छापा गया है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि हर बार जब जब आग लगता है तो ऐसे ही विपक्ष के दल के जो नेता है वो ऐसे ही सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ झोल है, कुछ तो छुपाया जा रहा है जिससे आम जनता को पता ना चल जाए, इनका भांजा ना फूट जाए, इस वजह से ऐसे कामों को अंजाम दिया जाता है। अब आपको दिखा दूं दोस्तों ये खबर क्या है, पूरी जानकारी आप देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव से पहले आखिर अचानक गृह मंत्रालय के दूसरी मंजिल पर आग कैसे लग गया। एबीपी न्यूज लिखता है कि गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग, जेरोक्स मशीन, कंप्यूटर। और खबरों की अगर बात करें तो एबीपी न्यूज लिखता है कि दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच, चिलचिलाती दिल्ली में, हालांकि अभी दो दिन पहले वहां पर बहुत बारिश हुई है, लेकिन यहाँ एबीपी न्यूज लिखता है चिलचिलाती गर्मी के बीच आग लगने की घटना सामने आ रही है। केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर आज सुबह के वक्त आग लग गई जिसके चलते ऑफिस में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आग में किसी के हताहत होने की खबरें निकलकर सामने नहीं आई है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो दमकल है उसके डीएफएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सूचना मिलने के तुरंत बाद दमकल विभाग की 7 गाड़ियाँ ने उस जगह पर घटनास्थल पर पहुंची और 9:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। डीएफएस के मुताबिक गृह मंत्रालय के कार्यालय के आईसी प्रभाग में दूसरी मंजिल पर सुबह 9:20 पर आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद दमकल कर्मियों ने सुबह 9:35 तक आग पर काबू पा लिया। वहीं मिरर नाउ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो आग लगने की शुरुआत एसी के यूनिट से शुरू हुई थी। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में एसी, जेरोक्स मशीन, कुछ कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज के साथ साथ पंखों में आग लग गई। वो आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिस बताया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पहले आग लगी, फिर धीरे धीरे आग बढ़ गई। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इमारत में मौजूद नहीं थे लेकिन वहाँ कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये अमित शाह के अंदर आने वाला दफ्तर है दोस्तों जिसमें आग लगी है। आग की वजह जो दमकल डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट लगा है। अब क्या है क्या नहीं है ये तो आगे जांच पड़ताल होता है तो सामने आएगा, लेकिन फिलहाल विपक्षी दल इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए कह रही है कि बार बार चुनाव आता है तो ऐसे ही बिल्डिंग्स के अहम जो डिपार्टमेंट्स है उसमें आग लगने की खबर सामने आती है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही खबर सामने आई थी जब सचिवालय में आग लग गया। इससे पहले भी एमपी के एक जो ऑफिस है, सरकारी दफ्तर, वहाँ पर भी खबर निकलकर सामने आई थी और अब दिल्ली स्थित अमित शाह के दफ्तर में जो आग लगने की खबर आई है उसको लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस पूरे मामले की जो है जांच करने की बात कही और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इस वजह से वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।